नमस्कार। सोयाबीन में ज़्यादातर किसान इंसेक्टिसाइड करने का प्लान कर रहे हैं या कुछ लोग करने भी लगे हैं। मैं आप लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ, लोग मेरे से ऑफिस में मिलते हैं या फिर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि आप लोग काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। एक तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो अलीका है, सोलोमन है या एम्प्लीको है या कोई और भी इंसेक्टिसाइड है, इसको बेचने वाले अपने रिश्तेदार नहीं लग रहे हैं। ये तीन चार नाम हमने पकड़ रखे हैं, ये कर देने हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यदि आपके जैसा इंसेक्ट है आप वैसा इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें। अब फील्ड से अलग अलग जगह से अलग अलग फोटोज वीडियोज आ रहे हैं। देखिए, जनरली आप अभी देखेंगे कि कहीं कहीं गडल बीटल का अटैक आपको के फोटो आप आ रहे हैं, आपके खेतों में आ रहा होगा, मैं भी नोट कर रहा हूँ कि आ रहा है। ग्रीन शेमिल ऊपर हरे वाली इली तो सामान्य बात है, वो तो आती है, कोई खास उसकी बात नहीं है। बिहार एरिकेटर पिलर बालों वाली लट काफ़ी एरिया में देखने को मिलती है और आ भी रही है कुछ एरिया में। कुछ कुछ फोटो तंबाकू की इली के भी आने लग गए हैं और ये थोड़ी चिंता की बात है। और इसके अलावा कुछ खास एरिया में जहाँ गर्मियों में मूंग था, वहाँ मरू का इली जो बहुत डेंजर है, मूंग उड़द में और अरहर में जाला बना के उस फसल को नुकसान करती है, वो सोयाबीन में भी आने लगी है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के इंसेक्ट आने लग गए हैं, हमें दिख रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। ये चार पांच नाम रट रखें, ये इस्तेमाल ना करें। और इस्तेमाल करने से भी ऊपर एक बात है ज़रूरी, जो बहुत आवश्यक आपको जानना, वो ये है कि सोयाबीन लगभग आप लोगों की 30 दिन के आसपास है, आपको इंसेक्टिसाइड करना ही है। अरे भाई करना है इंसेक्टिसाइड, करना है, 1 वीक 10 दिन में इंसेक्टिसाइड होना है, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन आपके इंसेक्ट का अटैक दिखे तो सही, इंसेक्ट आए तो सही, आया नहीं उससे पहले ही हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर दें, ये टेंडेंसी बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, देखिए आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझें। आपका जो मेन अपने को नुकसान करने वाला समय होता है सोयाबीन, जब आपकी 25 दिन से लेके और 40 दिन के आसपास होती है, तब ज़्यादा कीड़े हमें नुकसान करते हैं। और खासकर जब फूल पे सोयाबीन होती है, फूल से फली बन रही होती है, वो मेन अवस्था जिस पे सोयाबीन में कीड़ों से इकोनॉमिक नुकसान होता है। फूल आने से पहले 4 कीड़े आ भी गए तो कोई बहुत विशेष नहीं फर्क पड़ता, खासकर गडल बीटल स्टेम फ्लाई वगैरह को छोड़ के। तो यदि आज आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया और आपके इंसेक्ट का, आपके एरिया में इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होना आज के 4 दिन बाद में, तो ये जो 4 दिन का आपका समय है, ये आपका वो इंसेक्टिसाइड आपने कर दिया, ये आपका वेस्ट गया। और सोयाबीन में ये 4 दिन का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मतलब आज इंसेक्ट है नहीं, आपने स्प्रे कर दिया, 4 दिन बाद इंसेक्ट आ रहा, बेहतर है ना कि आप 4 दिन बाद ही स्प्रे करो। आपको थोड़ा बहुत अटैक दिखे, इंसेक्ट दिखे, हाँ ऐसा सा मेरे इंसेक्ट आ रहा, तब मैं स्प्रे करूं। तो इसलिए प्लीज आप देखें आपके इंसेक्ट कौन सा है, अकॉर्डिंगली आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की एडवाइजरी आती रहती है, उनकी एडवाइजरी को आप फॉलो करें। ऐसे ब्लाइंडली आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें, अदरवाइज इंसेक्ट का कभी ऐसा डैमेज इन्फेस्टेशन होगा कि किसी भी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं होगा, ना ये कोरोजन काम आएगी, ना लीका, ना ये आपका एम्प्लीको, ना सोलोमन, ये कुछ काम नहीं आएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। और अब की बार ऐसा पीछे का गर्मी का मौसम रहा है जिसमें गर्मी बिल्कुल नहीं पड़ी है, छुटपुट बारिशें होती रही हैं, तो ऐसे में मे भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए प्लीज आप ऐसे हवा में तीर ना मारें, आपके यदि इंसेक्ट है तो आप स्प्रे करें। कई लोगों का ये रहता है कि साहब फिर तो फूल पे आ जाएगा, फूल पे नुकसान ये वो। अरे फूल पे भी जैसे सोयाबीन की जैसे 95-60 वेराइटी है, ये लगभग 33 से 35 दिन के आसपास फ्लोरिंग पे आती है। अब सोयाबीन आपकी हुई 27-28-30 दिन की, स्टिल आपके पास 4-5 दिन है, आप रुकिए ना। और जस्ट फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है, वहां आप स्प्रे कर दो, क्या बिगड़ रहा है। और फ्लोरिंग पे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फंगिसाइड का कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए ज्यादातर इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का फ्लोरिंग पे कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होता, पर जनरली आपको ये मान के चलना चाहिए कि हम फ्लोरिंग स्टेज पे कोई भी स्प्रे करने से हम बचे। लेकिन चूंकि इंसेक्ट और डिजीज ऐसी चीज है कि उसके लिए आप किसी स्टेज पे वेट नहीं कर सकते, यदि आप वहां रुक गए तो वो इंसेक्ट या वो डिजीज इतना नुकसान कर देगी जितना कि आपके उस अवस्था पे इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड स्प्रे करने से नहीं हुआ है। तो इसलिए आप उस चीज पे ज्यादा वरी नहीं करें। हाँ, आपको करना आप कीजिए ना, पर प्लीज आप इंसेक्ट देखें आया है कि नहीं आया, बिना आए आप ठोके जा रहे हो
और इंसेक्टिसाइड का बहुत लंबे टाइम तक असर नहीं होता है कि आप आज स्प्रे कर दो एक महीने की चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो चुनिंदा ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिनका 15-20 दिन तक असर रहता है। बाकी ज्यादातर इंसेक्टिसाइड का 4th-5th दिन के बाद में ग्रेजुअली वो डाउन उनका असर हो जाता है। करीब 7-10 दिन तक ये सामान्य जो इंसेक्टिसाइड है ये आपकी फसल को सुरक्षा देते हैं। कीड़े की स्टेज देखें, कीड़ा देखें और ये सब तमाम चीजें देख के आप स्प्रे करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च की एडवाइजरी फॉलो करें। व्हाट्सएप के चक्कर में ज्यादा नहीं रहें, इधर ये आया है वो आया है ये कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन है उनके चक्कर में ज्यादा ना पड़े। आप ऑथेंटिक सोर्स की एडवाइजरी फॉलो करें और अपनी सोयाबीन को आप प्रोटेक्ट करें। नमस्कार, जय हिंद।